स्पेशल स्टाफ बाहरी उत्तरी जिला के HC अनिल नरवाल द्वारा गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता की हत्या की योजना के संबंध में प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर SI परवीन, SI जगबीर, HC नरेंद्र, HC अनिल, HC संदीप, CT जितेंद्र, CT सोहित और CT मुकेश की टीम को श्री ब्रजेंद्र कुमार यादव उपायुक्त बाहरी उत्तरी जिला के मार्गदर्शन में गठन किया गया था। टीम ने सूचित स्थान पर जाल बिछाया और गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता की हत्या करने से पहले ही दो नाबालिगों X और Y को अप्रेहेंड कर लिया है। इनके कब्जे से दो अत्याधुनिक पिस्टल सहित 20 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। बाहरी दिल्ली क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने और जबरन वसूली रैकेट पर कमान संभालने के लिए नीरज बवानिया और जितेंद्र गोगी के गिरोह प्रतिद्वंदी गिरोहों के सदस्यों को निशाना बनाते हैं। हाल ही में 7/5/2022 को ब्रह्म प्रकाश पुत्र सालिक राम निवासी ग्राम खेड़ा खुर्द दिल्ली उम्र 55 वर्ष कपिल @ कल्लू खेड़ा गोगी गिरोह के एक खूंखार गैंगस्टर के पिता की कई लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें नीरज बवानिया टिल्लू ताजपुर परवेश मान गैंग के सदस्यों ने गोली चलाई थी। इस संबंध में FIR संख्या 359/2022 दिनांक 7/5/2022 के तहत IPC 302/34 और 25/27 आर्म एक्ट PS नरेला औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह घटना एक CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें वर्तमान आरोपी पवन उर्फ पूना और अमित उर्फ मीतू की स्पष्ट पहचान हो गई है। इसी संदर्भ में स्पेशल स्टाफ बाहरी उत्तरी जिला की एक टीम कुख्यात अपराधी गिरोहों और उनके शार्प शूटरों को पकड़ने के कार्य में लगी हुई थी। यहां भी मालूम चला कि कपिल उर्फ कल्लू और जितेंद्र गोगी के सक्रिय सदस्य कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया परवेश नाम मान नीरज बवानिया गिरोह द्वारा दिन दहाड़े खेड़ा खुर्द फिरनी रोड पर कपिल उर्फ कल्लू के पिता की हत्या का बदला लेने की योजना बना रहे थे। आगे यहां पता चला कि कपिल उर्फ कल्लू और गोगी गिरोह के सदस्यों ने अपने सदस्यों को दो नाबालिग की मदद से गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता को खत्म करने का निर्देश दिया है। इसी के अनुरूप टीम ने उन्हें पकड़ने के लिए अपनी गतिविधि तेज कर दी। टीम ने तकनीकी निगरानी, गुप्त स्रोतों और सतही कार्य के माध्यम से सभी साधनों विधियों का उपयोग करके उनकी गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए हर संभव प्रयास किया और 24 घंटे काम करना जारी रखा और तकनीकी निगरानी के माध्यम से उनके स्थानों और गतिविधियों का पता लगाकर 23/5/2022 को तकनीकी निगरानी की सहायता से टीम ने दोनों नाबालिग को पहचान करने और पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की। इस दौरान उनके पास से दो अत्याधुनिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आगे पता चला कि कपिल उर्फ कल्लू और गोगी गैंग के सक्रिय सदस्य बजितपुर दिल्ली निवासी गैंगस्टर हितेश उर्फ हैप्पी के निर्देश पर विवेक और डोनी द्वारा दोनों नाबालिगों को हथियार और कारतूस की आपूर्ति की गई थी। दोनों नाबालिगों को कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जा रहा है। ब्रजेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने दो जुवेनाइल्स को अप्रेहेंड किया है। इनके पास से दो अच्छी क्वालिटी के पिस्टल्स और 20 राउंड एम्युनिशन भी बरामद किया है। इन दोनों को ही कपिल एलियस कल्लू, जो कि गोई गैंग से संबंध रखता है, उसने हायर किया था। उद्देश्य था नीरज बवानिया के पिता की हत्या, और यह इसलिए सांदर्भिक है क्योंकि कपिल एलियस कल्लू के पिता की हत्या कुछ दिनों पहले हुई थी, जिसके अंदर नीरज बवानिया प्रवेश मान टिल्लू ताजपुरिया का नाम सामने आया था, और इसी घटना का रिवेंज लेने के लिए कपिल एलियस कल्लू ने इन दोनों को हायर किया था। मगर इससे पहले कि ये कामयाब हो पाते, पुलिस ने बहुत ही बड़े ऑपरेशन के तहत इन दोनों को रोक पाने के अंदर सफलता हासिल कर ली।